हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजंस दो स्टेटमेंट गिवेन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आफ्टर एनालाइजिंग द टू स्टेटमेंट्स, राइट? असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय डीएक्स अपॉन डीटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड ये टाइम है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। विद टाइम क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है, विद टाइम ये डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, ये हर एक इंस्टेंट पर, मान लीजिए ये इंस्टेंट मैंने ले लिया, ये ले लिया, इस इंस्टेंट पर मैं देखना चाहती हूँ कि क्या चेंज आया है, ठीक है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में इस इंस्टेंट पे क्या चेंज आया। तो जब भी हम बहुत माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस देखते हैं, बहुत इंस्टेंटेनियस चेंज देखते हैं, किस लिमिट में, व्हेन टी टेंडिंग्स टू जीरो, इस लिमिट में देखते हैं, ठीक है, किस में देखते हैं, व्हेन सॉरी डेल्टा टी, नॉट टी, डेल्टा टी, व्हेन चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो चेंज इन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब बहुत छोटा सा चेंज है जिसको आप नियर टू जीरो बोल सकते हो। जब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स देखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे लिखेंगे, डी, डी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे छोटा जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है वेरी माइन्यूट चेंज, डी बाय डी टी इंटू इस तरीके से, ठीक है। ब्रेक ब्रैकेट्स के अंदर एक्स कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अ वेरी माइन्यूट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्स विद अ वेरी माइन्यूट चेंज इन द टाइम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, क्लियर। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं रीजन, कह रहे हैं इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस, बिल्कुल करेक्ट, अभी वही बताया कि सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक सर्टेन, एक ऐसे पल पर, एक ऐसे क्षण पर आपको देखना है जहां पर डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, और दोनों ही ट्रू हैं। और आपका जो रीजन है वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, ठीक है। सो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।